bus. Bye. Welcome back guys, this is me Mom. You guys watching me and my YouTube channel right now. तो आज हम जो चीज़ एक्सप्लोर करने आए हैं 56 पे, तो उस चीज़ की हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी मुंबई, पुणे और नागपुर में पहले से ही आग लगा रही है वो चीज़, और हमारे इंदौर में भी वो आ चुकी है फाइनली। तो हम चलते हैं फटाफट बिना किसी भी चीज़ के उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? और दुकान का नाम मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ। सबसे पहले पब्लिक जो ये ब्रांच है इसकी मेन जो मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे जगहों पे है, तो उसकी फ्रेंचाइजी एमपी में इंदौर में खोलने का क्या रीज़न है अपन चलते सीधे पूछते हैं होगा सर, तो आइए बेसिकली मैं भी और मुंबई और पुणे में बहुत ट्रैवल करता था, तो जब मैं वहाँ पर यहाँ पर येवले अमृतल्ले पे मैं चाय पीता था तो मुझे वहाँ पर दो तीन चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगती थी। बेसिकली इनका फर्स्ट टेस्ट, हाइजीन और इनका रेट, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल पाना बहुत कम रेट में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब मैं वहाँ से ट्रैवल करता था तो मुझे लगता था क्यों ना कोई ऐसी चीज़ अपने इंदौर में भी लाई जाए, तो उसी चीज़ों को देखते हुए मैंने उसको यहाँ पर खोलने का एक बार यहाँ पर प्लान किया। और बेसिकली इनका सारा टेस्ट, हाइजीन, जो सारी चीज़ें इनकी बहुत सही लगी वहाँ पर, तो मैंने इसको इंदौर में खोलने का प्लान किया। थैंक यू सो मच। ये बाकी सेकेंडरी ये चीज़ है कि इंदौर में और भी मतलब चाय की फेमस दुकान है, तो ये उन सबसे अलग और क्या है? मतलब एक मेन पर्पज़ ये भी था कि जैसे यहाँ पर सारी जो अपनी चाय की ब्रांड्स वगैरह है उसमें सब जगह पर मशीन की चाय मिलती है, तो और ये जो है ये अपनी होम रेसिपी से बनती है चाय, तो होम रेसिपी और मशीन की चाय में बहुत फ़र्क रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ चेंज करके अपन इंदौर में कुछ नया लाया जाए। तो इसलिए मैंने इसको एक मेन रीज़न ये भी था कि इसको यहाँ पर खोलने का, कि कुछ लोगों को नया भी ट्राई होगा और कुछ अच्छा भी मिलेगा। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि उसकी मतलब प्रिपेयरिंग होती है किस प्रकार से होती है? इसकी जो रेसिपी रहती है वो प्रॉपर जो अपने घर में फॉलो होती है उसी हिसाब की रहती है, बट इनका एक यूनिक प्रोसेस है कि उसमें इनके जो मसाले या जो भी इनकी सारी चीज़ें हैं वो फिक्स क्वांटिटी में दी हुई है, तो अपन को उसको उसी रेशियो में डालना पड़ता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुँह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। और इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत निग्लिजिबल रहती है, तो जितना एवोपरेट हो जाए उतना ही वाटर डलता है इसमें, बाकी इसलिए उसमें टेस्ट वगैरह का थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो अपनी नॉर्मल चीज़ें रहती है उनसे इनकी चाय बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ की चाय के बारे में? एक्सेलेंट चाय है और मुझे लगता है कि इंदौर के लिए ये वैल्यू एडिशन है, स्पेशली 56 दुकान के लिए। आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम रहा? फर्स्ट टाइम रहा और एक्सेलेंट है, चाय एक्सेलेंट है ना, तो आई रिकमेंड टू ऑल इंदौर। तो क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को यहाँ पे आने का, मतलब बोलना चाहोगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक बार चाय जरूर पिए क्योंकि एक यूनिक टेस्ट है, मतलब मुझे लगता है ये इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।